हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिना पैसे बिजनेस आइडियाज़ में। जी हाँ, और आज हम बताने वाले हैं आइडिया नंबर 19, और यह बहुत अच्छा आइडिया है। सच में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे कमाएंगे। लेकिन ऐसे सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलें, क्योंकि हम बताते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज़। हम चाहते हैं राजा का बेटा राजा ना बने, बल्कि वो बने जो हकदार है, जो मेहनत करे। और हाँ, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज का बिजनेस ऐसा है जो हमने काफ़ी सुना होगा। जी हाँ, आप नाम देख रहे हैं, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर कहते हैं, और वो फ्री में। अब फ्री में कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बताते ही हैं ऐसे आइडिया जो फ्री में खूब कमाई करवा के दे आपको। आपको क्या करना है, आपको सब्जी और फल ऑनलाइन बेचने हैं। जी हाँ, दूसरों के लिए ग्राहक बनाने हैं। आपको कोई दुकान नहीं खोलनी है। आपको क्या करना है, आपके आसपास जितने भी सब्जी और फल वाले हैं, आपको उनसे मिलना है। हाँ, लेकिन ये करने से पहले आपको इसमें जानकारी थोड़ी चाहिए और रुचि होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वेस्ट है आपका काम करना, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो फिर आप बोर हो जाएंगे और छोड़ देंगे, और आप कहेंगे कि नहीं, काम अच्छा नहीं है। काम बहुत अच्छा है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अच्छी तरह करेंगे। आपको क्या करना है, जितने भी फ्रूट और सब्जी वाले हैं उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे नंबर ले लेना है, उनको अपने कांटेक्ट लिस्ट में ऐड करना है। और आपको क्या करना है, आपको इसी तरह क्लाइंट्स को भी एक तरफ ऐड करके रखना है। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको आपको अप्रोच करना है, पहचान वाले, और उनको बोलना है कि मैं आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट सप्लाई करूँगा। बाकी भी फ्रूट सब्जी बेचते हैं, लेकिन आपको बाकी से थोड़ा हटके काम करना है। आपको दूसरों के बिजनेस से अपने लिए पैसा बनाना है। अब आप सोचिए, एक सब्जी फ्रूट है, आपको वो बेचना है। क्या करना है, आपको फ्री में बिजनेस करना है, आपको पैसे नहीं लगाने, क्योंकि हम बताते ही ऐसे अपने चैनल पे, जैसा नाम है बिना पैसे बिजनेस आइडिया, तो हम बहुत कम या बिल्कुल भी पैसे ना लगे ऐसे आइडिया बताते हैं। आपको सब्जी बेचनी है दूसरे की, किसी क्लाइंट को। इस तरह से आप आसानी से ये काम कर पाएंगे। हर कोई अमीर बन सकता है, हर किसी को हक है पैसा वाला बनने वाले का, लेकिन कैसे, मेहनत से। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, कांटेक्ट ऐड करना है, और अपने कांटेक्ट्स को कहना है कि ये वाली सब्जी अवेलेबल है। फ्रूट वेंडर से आप पूछ लीजिए कितने में है, वो कहेगा 50 रुपये किलो, आपको सामने 55 या 60 रुपये किलो बतानी है। लगातार मेहनत चाहिए ये काम में, ये क्या, हर एक काम में लगातार मेहनत चाहिए, वरना ऐसे ही कामयाबी नहीं मिलती है। आपको ऐसे ग्राहक लाने हैं, हर ग्राहक से आप अगर ऐसे 10 रुपये या 15 रुपये मार्जिन रखेंगे, और आपके समझो 20 ग्राहक भी हैं, आपको बेचना नहीं है, जाना नहीं है, आपको सिर्फ ग्राहक कांटेक्ट रखने हैं मोबाइल से। जी हाँ, ग्राहक बनाओ अपने मोबाइल से, और आसानी से बन जाते हैं। आजकल कोरोना के बाद से तो सबको हर चीज़ अपने घर पे ही चाहिए। और आपका ये जो बिज़नेस है, उसका नाम अपने हिसाब से आप रखिए और उसको प्रमोट करिए। आपको पता चल गया सब्जी 50 की है, क्लाइंट को वही सब्जी चाहिए, आपको उसको 60 रुपये बताना है। उसके बाद में वो कहेगा ठीक है भिजवा दे। आपको क्या करना है, आपका जो सब्जी वाला है कॉन्टैक्ट वाला, उसको बोलिए कि ये एड्रेस पे सब्जी भिजवा दे, पैसे मैं दे दूंगा। और आपको क्लाइंट से पैसे अपने पास ले लेने हैं। क्लाइंट से लीजिए 60, उसको दीजिए 50, 10 रुपये आपका मार्जिन है। और हाँ, शुरू तो करो, पैसे तभी कमाओगे। घर बैठे सोचोगे कि करूँगा ये करूँगा, नहीं होगा। जब तक शुरू नहीं करोगे कोई पैसे नहीं कमाता है, और इसमें कमाई काफ़ी है। महीने की 5 से 50 हज़ार तक की कमाई तो आसानी से, और इसी तरह बढ़ाते जाओगे तो और भी कमाई बढ़ेगी। और एक बार फिक्स क्लाइंट बन गए तो क्या पता आप ही इस बिज़नेस में आ जाओ पूरी तरह। पैसे बहुत हैं इसमें, कॉलेज के साथ कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, नौकरी के साथ भी कर सकते हो। आपको तो सिर्फ व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट के करना है, कोऑर्डिनेट करने 20 क्लाइंट का हिसाब मैंने दिया है। कमाने की कोई सीमा नहीं है अगर आप ठीक से करोगे। मैं 20 क्लाइंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, 20 क्लाइंट के आप सिर्फ 10-10 का मार्जिन रख रहे हो तो कितने रुपए हो गए, आपके दिन के 200 रुपये बिना कुछ किए हो गए। समय कितना लगा आपका, आपको तो सिर्फ एक ही बार उनसे बात करनी है, कांटेक्ट एक बार जाके बढ़ा लिए, क्लाइंट पूछेगा, 5 मिनट में रिप्लाई कर दिया, हो
हो गया आपका काम, दिन के 30 मिनट देंगे तो आप इतने क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हो, और ज़्यादा भी किया तो यार पैसे ज़्यादा कमा रहे हो ना, 20 क्लाइंट हैं, हर एक से 10-10 कमा रहे हो, 200 रुपये दिन का कितने हो गए, महीने के 5,000 तो आप ऐसे ही क्रॉस कर जाते हो, और क्लाइंट उसे ज़्यादा भी होंगे और सामान और भी ज़्यादा मंगाएंगे, एक ही सब्ज़ी तो नहीं मंगवाएगा, एक ही फ्रूट तो नहीं मंगवाएगा, और कुछ बदलना है तो यार मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, क्लाइंट बढ़ाओ। क्लाइंट बढ़ाना क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट ऐड करना है उनका और उनको बताओ, और वो वैसे ही फ्रूट और बैंड सब्जी वाले ऐड करने हैं, आपका तो काम हो रहा है, घर बैठे बैठे उनको सामान मिल रहा है, आपको घर बैठे बैठे कमाई हो रही है, और दुकान वाले को घर दुकान पे बैठे कस्टमर मिल रहे हैं। इसी तरह शुरू करना है, मोबाइल चाहिए और इंटरनेट चाहिए और ज़ुबान का कमाल, लैपटॉप है तो और भी अच्छा है और आसानी से कर सकते हैं, और हाँ प्रमोट भी करते रहिए साथ साथ, ऐसे प्रमोट करिए कि जैसे आपका खुद का फ्रूट का बिजनेस है, मैंने बोला ना नाम अपने मर्जी का रखिए और इस हिसाब से प्रमोट करिए कि आप ही सब बेच रहे हैं, सो देट आपको लोग कॉन्टेक्ट करें, और बस फिर सब्जियाँ बेचते रहिए, दुकान वाले का भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा, कस्टमर वैसे खुश, सामान मिल जाएगा। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम हेल्प करेंगे, कमाई कैसे होगी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आसानी से कमाई होगी, अच्छे और सच्चे फ़ोटो, जी हाँ व्हाट्सएप पे आप बिज़नेस कर रहे हो, सही जो फ्रूट्स की फ़ोटो है वो वेजिटेबल वाले से मंगवाइए और वही पोस्ट करिए, हर दिन अपने पोस्ट कीजिए, उसका रेट वहाँ पे डाल दीजिए, और उस रेट लिस्ट में जिनको शेयर कर रहे हो उसमें फ्रूट वेंडर को मत रखिए, उसको हटा के करिए, जो भी आपके फ्रूट सब्जी वाले उनको मत ऐड करिए, सिर्फ क्लाइंट्स को रखिए, आप काम शुरू करो, पैसे खुद ब खुद आएंगे, और 6 महीने से 1 साल में पैसे वाला बनने वाला आसानी से हो सकता है, अगर आप रेगुलरली काम करेंगे तो, रेगुलर पोस्ट करो, अच्छा प्रमोशन करो, अच्छे रिलेशन रखो क्लाइंट से, लगातार मेहनत करो, वेजिटेबल और फ्रूट वालों से लगातार बात करते रहियो, रिलेशन बनाओ, बिना पैसे बिजनेस आइडिया चैनल का नाम है, और बिना पैसे आप कमाएंगे, मैं बैठा हूँ आपकी मदद के लिए, कमेंट करो, कहीं भी अटक रहे हो मुझे बताओ, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ और आते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्या पता हर आइडिया आपके लिए ना हो बट आपके काम का आइडिया आगे आया हो या पहले आ चुका हो, तो इसलिए वो ज़रूर करिए, और सबसे ज़रूरी कमाते रहो, छापते रहो।